निकलकर सामने आती है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। डिंपल यादव होंगी मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। डिंपल यादव मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार होंगी। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है और मैनपुरी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। डिंपल यादव मैनपुरी वे एसपी की उम्मीदवार होंगी। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चले 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर अब उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया गया है। बताते चले एसपी के तरफ से नाम का ऐलान और डिंपल यादव मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार होंगी। आपको जानकारी देते चले कि नेताजी के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई है और 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने इस पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार होंगी। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है तो नेताजी के निधन के बाद ये सीट लोकसभा सीट खाली हुई थी जिस पर 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस पर मैनपुरी से अब डिंपल यादव जो है उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही मैनपुरी उपचुनाव को लेकर, डिंपल यादव मैनपुरी से एसपी के उम्मीदवार। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ी खबर है क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें डिंपल यादव की चर्चा तो थी लेकिन चूंकि इस बात की ज्यादा उम्मीद थी कि हो सकता है कि परिवार का कोई और सदस्य वहां से चुनाव लड़े जिसमें तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। लेकिन डिंपल यादव को देखिए प्रत्याशी बनाने के पीछे एक ये रणनीति हो सकती है कि किसी को नाराजगी ना हो क्योंकि कहीं ना कहीं खींचतान तो थी ही यादव परिवार में उस सीट को लेकर, क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि शिवपाल यादव मैनपुरी से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है और ये सब समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रणनीति भी है। अब जैसे कि बीते दिन हमने देखा था कि जिस तरह से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और अब डिंपल यादव के नाम का ऐलान, अब क्या होगा शिवपाल यादव का? देखिए हो सकता है कि कोई और दूसरा ऑप्शन एक दूसरा विकल्प उनको दिया जाए क्योंकि खुद शिवपाल यादव ये बोल चुके थे सभा में कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि चाचा भतीजे ने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया हो और जो मनुताव है जो दूरियां है वो खत्म होने को है। लेकिन एक बार फिर से देखिए जिस तरीके से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें हो सकती है लेकिन हो सकता है कि पहले बातचीत हो गई हो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कि आगे के लिए कुछ दूसरे ऑप्शन पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए अभी पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही डिंपल यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वैसे में अगर शिवपाल यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उस प्रतिक्रिया के मायने होंगे, लेकिन फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिंपल यादव को बनाया है। तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया शिवपाल यादव की तरफ से नहीं दिया गया है? नहीं रंजना, देखिए अभी चूंकि थोड़ी देर पहले ही ये घोषणा की गई है और देखा जाए तो चूंकि इस बात की पूरी उम्मीद भी थी कि एक दो दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है, लेकिन अब चूंकि डिंपल यादव को जो प्रत्याशी बनाया गया है तो निश्चित तौर पर देखिए शिवपाल यादव कुछ बोलते हैं और जो उनका बयान होता है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहता है तो निश्चित तौर पर सपा को उसका फायदा होगा। लेकिन अगर शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आती है तो उससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तमाम कयासों के बाद डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया, जरा इसके मायने समझाएं।
देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि उस सीट को लेकर काफी अंदर खाने में एक तरीके से कह सकते हैं कि रार मची हुई थी, क्योंकि पहले ये इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि शिवपाल यादव अविनाश हमारे साथ आप जुड़े रहे। इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। डिंपल यादव का नाम का ऐलान कर दिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए ये पार्टी का ने जो फैसला लिया है, कार्यकर्ता इससे बहुत खुश है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की इच्छा यही थी। पार्टी ने जो फैसला लिया है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देखिएगा समाजवादी मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा। धन्यवाद जी। तमाम कयासों के बाद डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया गया, इसके मायने को कैसे समझा जाए? अनुराग जी आप तक आवाज जा रही है? अनुराग जी आप तक आवाज जा रही है क्या? तो देखिए अनुराग जी हमारे साथ जुड़े, तो आपको बताते चले कि मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार अब डिंपल यादव होगी, इसके नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, 5 दिसंबर को इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि नेताजी के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी और इसके बाद आज मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसपी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है और डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो तमाम कयासों के बाद डिंपल यादव के नाम का ऐलान और डिंपल यादव के नाम पर मुहर लग गई है। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं, क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। राजा जीरा क्रंच बिस्किट, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। खटीना पूरी अल्ट्रा लाइट पूरी, अल्ट्रा लाइट वो कैसे? इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल, इसमें है सबसे कम अब्सॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल, इमामी हेल्थी एंड टेस्टी। जब कमर का दर्द बिछाना छोड़े और मुझ दर्द हिम्मत को तोड़े, तब दिखाए असर आयोडेक्स बाम, जो कमर घुटने गर्दन और मोच के दर्द में आराम दिलाए। आयोडेक्स बाम दे हर बदन दर्द में आराम। ये दूध कहाँ जाएगा? ये हमारे यूपी के गांव से हमारे यूपी के शहरों तक। शहरों तक कैसे? पहले बंसी के पापा पूरे गांव का दूध इकट्ठा करते हैं, फिर पिंकी के चाचा इसे हमारे यूपी में स्थित डेयरी तक पहुंचाते हैं। वहां नन्हे की मम्मी इसकी अच्छी तरह से जांच करती है, फिर बबलू के मामा इसे सुरक्षित तरीके से मशीन में पैक करते हैं और फिर तुम्हारे पापा इसे डेयरी से शहर तक पहुंचाते हैं, जहां से ये दूध घर घर पहुंचता है। समझे? ओ अब समझा, इसी दूध की वजह से पक्का मकान बन रहा है हमारा, है ना माँ? बिल्कुल। अपने यूपी का अपना अमूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत